गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? एकदम ठीक। आज के पांच इंग्लिश वर्ड्स हैं बिलो, इंस्पिरेशन, हार्टफेल्ट, मैसेज और मर्चेंट। इन पांच इंग्लिश वर्ड्स के एग्जांपल सेंटेंसेस और लास्ट में एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाला है वो है बिलो। बिलो का हिंदी में मतलब होता है नीचे। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो नीचे, तो वहाँ पर हम बिलो शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, सिलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम बिलो, यानी नीचे से एक विकल्प चुने। दूसरा एग्जाम्पल, मार्क द रॉन्ग सेंटेंस फ्रॉम द सेंटेंसेस गिवन बिलो, मतलब नीचे दिए गए वाक्यों से गलत वाक्य को चिन्हित करें। तीसरा एग्जाम्पल, देर इज अ स्टेन बिलो योर स्लीव, यानी आपकी आस्तीन के नीचे एक दाग है। चौथा एग्जाम्पल, टॉम हैज गॉन बिलो, मतलब टॉम नीचे गया हुआ है। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो, टॉम हैज अ स्कार जस्ट बिलो हिज लेफ्ट आई, यानी टॉम की बाई आंख के ठीक नीचे एक निशान है। फ्रेंड्स, बिलो शब्द का दूसरा मतलब होता है से कम। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो से कम, तो वहां पर बिलो शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, द टेम्परेचर इज 10 डिग्रीज बिलो नॉर्मल, यानी तापमान सामान्य से 10 डिग्री कम है। दूसरा एग्जाम्पल, हिज परफॉर्मेंस वॉज बिलो माई एक्सपेक्टेशन, मतलब उसका प्रदर्शन मेरी उम्मीद से कम था। फ्रेंड्स, आज का दूसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का हिंदी में मतलब होता है प्रेरणा। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो प्रेरणा, तो वहाँ पर आप इंस्पिरेशन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, यू विल गेट इंस्पिरेशन बाय रीडिंग दिस, यानी इसे पढ़कर आपको प्रेरणा मिलेगी। दूसरा एग्जांपल, आई गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज लाइफ एक्सपीरियंसेस, मतलब मुझे उनके जीवन के अनुभवों से प्रेरणा मिली। तीसरा एग्जांपल, यू परफॉर्म बेटर व्हेन यू गेट इंस्पिरेशन, यानी प्रेरणा मिलने पर आप बेहतर प्रदर्शन करते हैं। चौथा एग्जाम्पल, द टीम इज लैकिंग इंस्पिरेशन, मतलब टीम में प्रेरणा की कमी है। और अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो, आई टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम पीपल हु नेवर गिव अप, यानी मैं ऐसे लोगों से प्रेरणा लेता हूं जो कभी हार नहीं मानते। फ्रेंड्स, इंस्पिरेशन शब्द का दूसरा मतलब होता है अचानक से कमाल का विचार आना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो अचानक से एक कमाल का विचार आना, तो वहां पर आप इंस्पिरेशन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जांपल्स के तौर पे, देन आई हैड एन इंस्पिरेशन, यानी तब मुझे अचानक एक विचार आया। दूसरा एग्जाम्पल, टॉम हैड एन इंस्पिरेशन ही वुड गिव मेरी अ वॉच फॉर हर बर्थडे, मतलब टॉम को अचानक एक विचार आया, वह मेरी को उसके जन्मदिन के लिए एक घड़ी देगा। फ्रेंड्स, इंस्पिरेशन शब्द का तीसरा मतलब होता है सांस लेना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो सांस लेना, तो वहां पर इंस्पिरेशन शब्द लगता है। एग्जांपल के तौर पे, क्रैकलिंग साउंड्स आर हर्ड इन द स्टेथोस्कोप ऑन इंस्पिरेशन, यानी सांस लेने पर स्टेथोस्कोप में कर्कश आवाजें सुनाई देती है। फ्रेंड्स, आज का तीसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है हार्टफेल्ट। हार्टफेल्ट का हिंदी में मतलब होता है हार्दिक। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो हार्दिक, तो आप हार्टफेल्ट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, आई कन्वे माई हार्टफेल्ट अपोलॉजी, यानी मैं अपनी हार्दिक क्षमा याचना करता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, वी ऑफर आवर हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस, मतलब हम अपनी हार्दिक संवेदना प्रदान करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, माई हार्टफेल्ट थैंक्स टू यू फॉर दिस हेल्प, यानी इस मदद के लिए आपको मेरा हार्दिक धन्यवाद। चौथा एग्जाम्पल, आर हार्ट फेल्ट सिंपथी गोज आउट टू द विक्टिम्स ऑफ द वॉर, मतलब युद्ध के पीड़ितों के प्रति हमारी हार्दिक सहानुभूति है। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो, माई हार्ट फेल्ट सिंपथी गोज आउट टू ऑल आवर रिलेटिव्स, यानी मेरी हार्दिक सहानुभूति सभी रिश्तेदारों को है। फ्रेंड्स, आज का चौथा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है मैसेज। मैसेज का हिंदी में मतलब होता है संदेश। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो संदेश, तो वहाँ पर आप मैसेज शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, प्लीज गिव दिस मैसेज टू हिम, यानी कृपया उसे यह संदेश दे। दूसरा एग्जाम्पल, डिड यू गेट माई मैसेज, मतलब
क्या आपको मेरा संदेश मिला? तीसरा एग्जाम्पल, ही हैज अ मैसेज फॉर यू, यानी उसके पास आपके लिए एक संदेश है। चौथा एग्जाम्पल, आई हैव अ मैसेज, मतलब मेरे पास एक संदेश है। और अगर लास्ट एग्जाम्पल दो तो आई गॉट योर मैसेजेस, यानी मुझे आपके संदेश मिले। फ्रेंड्स, अगर हम मैसेज शब्द को क्रिया के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब बन जाता है संदेश भेजना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो संदेश भेजना, तो वहां पर आप मैसेज शब्द को क्रिया के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जांपल्स के तौर पे, टॉम मैसेज्ड मी, यानी टॉम ने मुझे मैसेज किया। दूसरा एग्जाम्पल, आई मैसेज्ड हिम आस्किंग हिज हेल्थ, मतलब मैंने उसे उसकी तबीयत पूछने के लिए मैसेज किया। फ्रेंड्स, आज का लास्ट शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है मर्चेंट। मर्चेंट का हिंदी में मतलब होता है व्यापारी। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो व्यापारी, तो वहाँ पर आप मर्चेंट शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, ही इज अ क्लोथ मर्चेंट, यानी वह कपड़े के व्यापारी है। दूसरा एग्जाम्पल, देयर वर अ लॉट ऑफ मर्चेंट्स सेलिंग देयर गुड्स, मतलब बहुत सारे व्यापारी अपना माल बेच रहे थे। तीसरा एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ डायमंड मर्चेंट्स फेस्ड लॉसेस, यानी हीरे के बहुत सारे व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा। चौथा एग्जाम्पल, शी मैरिड अ रिच मर्चेंट, मतलब उसने एक अमीर व्यापारी से शादी की। और अगर लास्ट एग्जाम्पल दो तो टॉम इज अ वूल मर्चेंट, यानी टॉम एक ऊन व्यापारी है। फ्रेंड्स, अब एक्सरसाइज की बारी है। जो पांच शब्द हमने इस वीडियो में देखा ऊपर विकल्प के तौर पर दिए गए हैं, आपको इन पांचों विकल्प में से एक विकल्प इस खाली जगह पर रखना है और इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वेयर डिड यू गेट द डैश टू राइट दिस बुक, यानी इस किताब को लिखने की डैश आपको कहाँ से मिली? तो यह शब्द लगेगा इंस्पिरेशन। वेयर डिड यू गेट द इंस्पिरेशन टू राइट दिस बुक, इस किताब को लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? दूसरा क्वेश्चन, माई डैश थैंक्स टू यू ऑल, मतलब आप सभी को मेरा डैश धन्यवाद। तो यह शब्द लगेगा हार्टफेल्ट। माय हार्टफेल्ट थैंक्स टू यू ऑल, आप सभी को मेरा हार्दिक धन्यवाद। तीसरा क्वेश्चन, टॉम हैज लेफ्ट अ डैश फॉर यू, यानी टॉम ने आपके लिए एक डैश छोड़ा है। तो यह शब्द लगेगा मैसेज। टॉम हैज लेफ्ट अ मैसेज फॉर यू, टॉम ने आपके लिए एक संदेश छोड़ा है। अगला क्वेश्चन, हु लिव्स इन द रूम डैश, मतलब डैश के कमरे में कौन रहता है? तो यह शब्द लगेगा बिलो। हु लिव्स इन द रूम बिलो, नीचे के कमरे में कौन रहता है? अगला क्वेश्चन, ही हैज टू सन्स हु बिकेम डैश, यानी उनके दो बेटे हैं जो डैश बने। तो यह शब्द लगेगा मर्चेंट्स। ही हैज टू सन्स हु बिकेम मर्चेंट्स, उनके दो बेटे हैं जो व्यापारी बने। अगला क्वेश्चन, हिज स्पीच गेव डैश टू एवरीवन, मतलब उनके भाषण ने सभी को डैश दी। तो यह शब्द लगेगा इंस्पिरेशन। His speech gave inspiration to everyone. उनके भाषण ने सभी को प्रेरणा दी। अगला क्वेश्चन, I offered my dash condolences on his grandfather's death. यानी मैंने अपनी डैश संवेदनाएं उनके दादा के मृत्यु पर अर्पित की। तो यह शब्द लगेगा heartfelt. I offered my heartfelt condolences on his grandfather's death. मैंने अपनी हार्दिक संवेदनाएं उनके दादा के मृत्यु पर अर्पित की। अगला क्वेश्चन, I read the dash that you sent. मतलब मैंने आपके द्वारा भेजे गए डैश को पढ़ा। तो यह शब्द लगेगा मैसेज। आई रेड द मैसेज दैट यू सेंट, मैंने आपके द्वारा भेजे गए संदेश को पढ़ा। अगला क्वेश्चन, दिस बंगलो बिलोंग्स टू अ गोल्ड डैश, यानी यह बंगला एक सोने के डैश का है। तो यह शब्द लगेगा मर्चेंट। दिस बंगलो बिलोंग्स टू अ गोल्ड मर्चेंट, यह बंगला एक सोने के व्यापारी का है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, देयर वॉज अ मॉस्किटो राइट डैश हिज ईयर, मतलब उसके कान के ठीक डैश एक मच्छर था। तो यह शब्द लगेगा बिलो। There was a mosquito right below his ear. उसके कान के ठीक नीचे एक मच्छर था। फ्रेंड्स, अगर आप इस लेक्चर के नोट्स खरीदना चाहते हो तो आप इसे मेरे ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें मैंने नोट्स हिंदी में बनाए हैं। लास्ट में मैंने एक्सरसाइज भी रखा हुआ है और इससे आपको पता चलेगा कि आपको इस लेक्चर से कितना समझ आया। आपको इस नोट्स का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 5 इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी में मतलब देखा। ये 5 वर्ड्स थे बिलो, इंस्पिरेशन, हार्टफेल्ट, मैसेज और मर्चेंट। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी मत मिला हो तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। आप नीचे कमेंट्स में अपना सजेशंस या क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस के फ्यूचर नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए, ताकि जब जब मैं वीडियोस को अपलोड करूँ वैसे ही आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।